discuss one of the important topic of the English, that is myself or introduce yourself. You often face a problem when someone asks you a question like tell me about yourself, although you know the answer, but problem is that you feel very nervous for signing. To overcome this very problem, I have a solution through the video. So let's start the video. Introducing yourself in English. The very first point in this is greetings. Greetings का मतलब होता है हिंदी में शुभकामनाएं. Greetings का मतलब क्या होता है हिंदी में शुभकामनाएं. अब ये greetings हमारी दो types की होती हैं. कितनी types की होती हैं? दो types की. For example, हमारा एक हो गया formal, औपचारिक. दूसरा होगा informal, मतलब अनौपचारिक. अगर हम formal की बात देखें तो formal में हम क्या words use करते हैं? For example, hello हो गया, good morning हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इट्स प्लेजर टू मीट यू, ये हो गया, एंड इट्स नाइट्स टू मीट यू. ये सब पॉइंट्स हमारे क्या आ जाते हैं? फॉर्मल में आ जाते हैं. फॉर्मल एग्जांपल हम ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल, वर्क प्लेस में हम फॉर्मल तरीके से, एंड इनफॉर्मल फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड सर्कल में हम इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ही, हेलो, हाय, व्हाट्सअप, ये सब वर्ड्स हमारे इनफॉर्मल में आ जाते हैं. तो ग्रीटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं? एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल तरीके से. फॉर्मल मतलब हम ऑफिस, कॉलेज, कलीग्स के साथ, एंड इनफॉर्मल हमारा फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल में हम इनफॉर्मल. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नेम. अब नेम भी हम अपने दो तीन तरीके से बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिंपल जो हम लोग बोलते हैं माय नेम इज़ और माय सेल्फ, दिस इज़, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं? नेम में आ जाते हैं. माय नेम इज़ आई एम, माय नेम इज़ काजल, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है हमारा नेम में. अब हम इसको कुछ एग्जांपल की तरह अगर देखें तो फॉर एग्जांपल हेलो माय नेम इज़ एना, ठीक है, तो ये क्या पॉइंट्स आ जाते हैं हमारा नेम में. तो हमने देखा कि हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या था? ग्रीटिंग्स था, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या आया? नेम आया. तो ये सीक्वेंस में चलेंगे और सीक्वेंस में इसको बोलेंगे. थर्ड आ जाता है हमारा एज. एज में आ जाता है हाउ ओल्ड आर यू, एज में अपनी उम्र बताना है, ठीक है. तो ये थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन के, आई एम डैश ईयर ओल्ड, नंबर्स में. फॉर एग्जाम्पल आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, तो नंबर्स में हम बोलेंगे आई एम इन नंबर, आई एम 10. तो ये दो तरीके से, तीन तरीके से हम बोल सकते हैं. आई एम इन माई अर्ली, मिड और लेट, ये तीन चार तरीके से हम अपनी एज को बोल सकते हैं. तो ये थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, एज आ जाता है. तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा हमारा ग्रीटिंग, सेकेंड हमने नेम, एंड थर्ड हमारा एज. अब एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम इन माई अर्ली 20s. तो ये हमने एग्जाम्पल देखे एज को बोलने के लिए. अब थर्ड फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा प्लेस ऑफ ऑरिजन. प्लेस ऑफ ऑरिजन मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर. तो ये फोर्थ पॉइंट आ जाता है आई एम फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो ये दिल्ली आ जाएगा. आई कम फ्रॉम, ये भी हम एक ही हम वर्ड्स को, एक ही हम सेंटेंस को क्या होता है, तीन चार तरीके से हम बोल सकते हैं. तो प्लेस ऑफ ऑरिजन हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, आई वॉज बॉर्न इन, आई कम फ्रॉम, मतलब फ्रॉम ओरिजिनल, ओरिजिनल प्लेस ये होता है प्लेस ऑफ ओरिजिनल. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न इन चाइना एंड आई नाउ लिव इन लंडन, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन. आई एम फ्रॉम चाइना, द वेरी फर्स्ट प्लेस ऑफ ऑरिजिन. रेजिडेंस मतलब जहाँ आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हो, रेजिडेंस मतलब होता है जहाँ आप रह रहे हो. तो ये दो पॉइंट्स हैं, डिफरेंस है. प्लेस ऑफ ऑरिजिन मतलब होता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और रेजिडेंस का मतलब होता है द टाउन, सिटी और कंट्री वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ. तो ये टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है. फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन लखनऊ, तो ये सब पॉइंट्स हो जाएंगे. ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा. पहले हमने देखा ग्रीटिंग्स, फिर हमने देखा नेम, देन एज, देन प्लेस ऑफ ऑरिजिन, फिफ्थ पॉइंट हमारा रेसिडेंस. तो ये हमारा आ जाता है फिफ्थ पॉइंट में. अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन योर जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई रोल मॉडल कर रहे हैं तो वो ऑक्यूपेशन आ जाता है, ठीक है. अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम ए मैनेजर एट कंपनी, दिस कंपनी, और आई एम ए स्टूडेंट स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आई एम अ मैनेजर एट, और आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, और आई वर्क एट. तो ये क्या हो जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशन. आई हैव माई ओन बिजनेस वेयर आई, तो ये एग्जाम्पल आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम द मैनेजर ऑफ अ कॉफ़ी शॉप, आई हैव वर्क देयर फॉर द पास्ट 5 years, आई हैव वर्क देयर फॉर अ 5 past years. तो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हमारा, तो क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशन. आई वर्क एट सेल्फरेज एज अ कस्टमर सर्विस एडवाइज़र. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा पॉइंट आ जाता है फैमिली. फैमिली को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब द पीपल इन योर फैमिली, कितने मेम्बर्स आपकी फैमिली में हैं अलॉन्ग विद यू, आप इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा?
family. For example, I am from a family of this number. I am family of 5 or I am family of 6. इसको example के तौर में हम देख सकते हैं. I have 2 brothers and sister. पहले तो आप number बताइए कितने number में, then the number of person like having 2 sister, 2 brother, like this example. My family consists of this mention each person. अब example हो सकते हैं हमारा, I am from a family of 4. My family consists of myself, my parents, my 2 younger brothers. तो ये क्या आ जाता है हमारा, फैमिली का डिस्क्रिप्शन आ जाता है. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हमारा क्या आ जाता है, हॉबीज़. हॉबीज़ मतलब द थिंग्स यू लाइक्स टू डू और इन्जॉय टू डू. तो हॉबीज़ में देख सकते हैं हमारा डांसिंग आ सकता है, राइटिंग आ सकता है, रीडिंग नॉवेल्स, ये सब क्या आ जाता है हमारा हॉबीज़, जो आपको अच्छा लगता है. अब इसको अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो हम कैसे बोलेंगे, इन माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू इन्जॉय दिस, आई लाइक टू डू डांसिंग, आई इन्जॉय. तो ये भी हम 3-4 तरीके से बोल सकते हैं. आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम, इसका एग्जाम्पल देखिए तो माई हॉबीज आर ड्राॅइंग एंड रीडिंग. आपकी कुछ भी हो सकती है, ड्राॅइंग, रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एनी थिंग यू लाइक. आई लव टू स्पेंड माई टाइम ड्राॅइंग एंड रीडिंग एज इट मेक्स मी हैप्पी. अगर हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हॉबीज़ के पास, तो फिर वो क्या आ जाए हमारा फ्यूचर गोल्स, द person you want to become in future, the futuristic goal. What do you aim to do in the future? What is your objective or aim to become in future? In the future, I would like to become doctor, teacher, engineer. I aim to become a doctor. तो इस तरीके से हम ये वाला sentence बोल सकते हैं, future goals. ठीक है, तो ये हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन ये 5-6 पॉइंट में कंसिस्ट रहता है. और ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि पहले ग्रीटिंग्स करना, देन नेम, देन एज, देन प्लेस ऑफ ओरिजिन, रेसिडेंस. तो ये पॉइंट्स होती हैं 6-7 पॉइंट. एग्जांपल, माय ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर सो आई कैन हेल्प पीपल गेट बेटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट अगर हम इसको समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, डिस्क्राइब योर सेल्फ में, डिस्क्राइब योर सेल्फ में हम देखेंगे, आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ, जो आपको लगता है कि मैं हूँ उस तरीके के पर्सन, जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर वो आप डिस्क्राइब योर सेल्फ में बोल सकते हैं. माई फ्रेंड्स वुड लाइक डिस्क्राइब मी एज अ काइंड, लवेबल, ठीक है, केयरिंग. दिस ये सब वर्ड्स क्या आ जाते हैं पॉइंट्स, हम डिस्क्राइब योर सेल्फ. एग्जाम्पल, काइंड हो गया, केयरिंग हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, हम्बल हो गया, ये पॉइंट्स क्या आ जाते हैं डिस्क्राइब, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब पॉइंट. ये इस डिस्क्राइब योर सेल्फ में मेनली हम पॉजिटिव पॉइंट्स को ही कवर करके चलते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, होपफुल, ट्रस्टवर्दी, थॉटफुल, नॉटी, काइंड, केयरिंग, हम्बल, पॉजिटिव, ऑनेस्ट, ये सब आते हैं. अब हम इसको, ये हमने जो भी पढ़ा है, ये हम इसको एक एग्जांपल के तौर में देख सकते हैं, पूरा समराइज करके. पूरा चैप्टर का अगर जिस्ट देखें तो इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर में. फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे देखेंगे गुड मॉर्निंग, जैसा कि ग्रीटिंग्स हो गया हमने पढ़ा था. फिर देन हमारा, हमने नेम पढ़ा था तो माय नेम इज एना. फिर हमने एज पढ़ा था, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. देन हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ ओरिजिन, फ्रॉम द प्लेस वेयर यू पर्टिकुलरली बिलोंग्स, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम चाइना. नेक्स्ट आ जाता हमारा करेंटली, आप प्रेजेंटली आप कहाँ पर रिसाइड कर रहे हो, तो आई करेंटली लिव इन एन अपार्टमेंट लंदन. देन आपका ऑक्यूपेशन आ जाता है, फिर फैमिली, आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4. आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम ड्राॅइंग एंड रीडिंग एज अ, हमने हॉबीज़ देखी थी, इट मेक्स मी फील हैप्पी. अब फ्यूचर गोल भी देखा था, इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर. तो ये क्या है हमारा, जितने भी हमने पॉइंट्स देखे, जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए, इसका एक जिस्ट है छोटा सा, कंक्लूड या समराइज सब हमने देखा. आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ काइंड एंड अ फ्रेंडली पर्सन हु लव्स टू मीट न्यू पीपल. हम समराइज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा पॉइंट्स, कुछ पॉइंट, ग्रीटिंग्स हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ ओरिजिन, रेसिडेंस, देन हमने ऑक्यूपेशन, फैमिली, हॉबीज़ पढ़ा था, और हमने लास्ट में पढ़ा था फ्यूचर गोल्स एंड डिस्क्राइब योर सेल्फ. तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा. तो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे. थैंक यू सो मच.